दीदी, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। हिंदू सभ्यता का वर्णन करते हुए विल ड्यूरेंट एक सवाल पूछता है, हर एक हिंदू को सवाल अपने दिल में उठाना चाहिए और उसका उत्तर खोजना चाहिए। विल ड्यूरेंट पूछता है कि मेरी समझ में नहीं आता, जिस महान हिंदू सभ्यता के पास श्री राम और श्री कृष्ण जैसे लोकनायक रहे, उस हिंदू समाज ने हजार साल की गुलामी किस तरह झेली, क्या उसके कारण थे, बताइए, उत्तर दीजिए। विल ड्यूरेंट ये सवाल पूछ रहा है, मैं आपको उत्तर देता हूं। उत्तर विल ड्यूरेंट के सवाल का यह है, हिंदू समाज ने श्री राम और श्री कृष्ण की प्रतिमाएं तो बनाई, श्री राम और श्री कृष्ण के मंदिर तो बनाए, श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार घोषित किया, श्री राम और श्री कृष्ण का जय घोष किया, लेकिन श्री राम और श्री कृष्ण ने जो समझाना चाहा है उसको अपने जीवन में उतारने से मना कर दिया। बात नहीं मानेंगे तुम्हारी, जयकारा लगाते रहेंगे, पूजा करते रहेंगे, लड्डू चढ़ा देंगे, दीपक जला देंगे, तुमको भगवान बना देंगे, पर तुम्हारा संदेश सुनने को राजी नहीं है, फिर तुमसे कैसे प्रसन्न होंगे परमेश्वर। परमेश्वर, कोई भी पिता उस पुत्र से प्रसन्न होता है जो पिता का नाम भले न जपे, प्रणाम भले न करे, लेकिन पिता की आज्ञाओं का पालन करता है, जो वो चाहते हैं वो करता है, जो उनकी अपेक्षाएं हैं वो करता है, अपने जीवन की प्रगति से पिता को तृप्त और संतुष्ट करता है। कैसे आप श्री राम और श्री कृष्ण की भक्त हो? गीता, गीता जैसा दिव्य ग्रंथ आपके किस काम आता है बताइए? हिंदू समाज ने गीता का क्या इस्तेमाल सोचा है? बहुत बढ़िया इस्तेमाल, जब आदमी मर रहा हो, पता चले कि अब ये मरने वाला है, आखिरी सांसें गिन रहा है, लाओ इसे अब गीता सुना दे, तत् तेरे की। अरे जो जीवन जगाने वाला ग्रंथ है, प्राण फूंक देने वाला ग्रंथ है, मरे पड़े व्यामोह में फंसे हुए अर्जुन को युद्ध के लिए सन्नद्ध कर देने वाला ग्रंथ है, जीवन के कर्म क्षेत्र में सफलता कैसे मिले वो मंत्र बताने वाला दिव्य ग्रंथ है, उसको हम मृत्यु के लिए इस्तेमाल करते हैं। मर रहा है आदमी, चलो अब श्लोक सुनाएंगे गीता के। मरने के बाद अगर आप आत्म शांति चाहते हो, आपके मन का दुख दूर हो जाए, शोक दूर हो जाए, तो अच्छा है, उपयोगी है गीता का दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय अर्थ सहित पढ़ना। आत्मा की अमरता का जो भाव, जो संदेश वहां बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, वो तुम्हारे काम के होंगे श्लोक। लेकिन मरता हुआ आदमी गीता का अब क्या करेगा? अरे जीवित रहते हुए आपको अपने बच्चों को बताना था जीवन किस तरह जिया जाए, कैसे उसमें सफलता पाई जाए, कैसे सारे कष्ट संघर्षों को पराजित करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहा जाए। ये संदेश समझना हो तो गीता पढ़ना। गीता अर्जुन के लिए ही नहीं है, गीता का लक्ष्य, गीता का संदेश युद्ध नहीं है। ये ठीक है, सारी गीता समझाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त कर देते हैं, कर्म में प्रवृत्त कर देते हैं, लेकिन उद्देश्य मूल तो शांति ही था। श्री कृष्ण ने अपने सारे अहंकार को पीछे रख करके शांति के लिए जो भी प्रयास किए जा सकते थे वो सारे प्रयास किए, खुद चल करके गए दुर्योधन के पास संदेश लेकर के। बदमाश दुर्योधन ने श्री कृष्ण को गिरफ्तार कर देने की हिमाकत की, ये तो श्री कृष्ण का कौशल था कि वो गिरफ्तार नहीं हो सके, लेकिन उसने तो ये भी कर दिया होता। सारे अपने अहंकार पूर्वाग्रहों को पीछे रखकर शांति के सारे आखिरी प्रयास कर लेने के बाद युद्ध अनिवार्य हो उठा है। अब अंतिम क्षणों में अर्जुन कह रहा है कि नहीं, मैं किस लिए लड़ूं? अपने पितामह, अपने दादा, अपने गुरु आचार्य, भाइयों पर शस्त्र उठाकर इनको मारकर, इनका खून बहाकर अगर मुझे राज्य लक्ष्मी मिली भी तो उससे क्या होगा? ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण का संदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, हमारे तुम्हारे लिए है। हर एक परिस्थिति का कर्तव्य अलग होता है, उसकी पुकार सुनो। इस वक्त तुम किसी के भाई नहीं हो, किसी के पोते नहीं हो, किसी के शिष्य नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, ईश्वर की ओर से दी हुई जिम्मेदारी है, अन्याय और अत्याचार की समाप्ति। और जो लोग भी अन्याय के, अत्याचार के समर्थन में खड़े हुए हैं,
चाहे फिर वो दादा हो तुम्हारे, आचार्य हो, इस वक्त तुम्हारे दादा नहीं है, आचार्य नहीं है, वो सिर्फ अन्याय के समर्थन में खड़े हुए अन्यायी हैं, पापी हैं, और उनका वध कर दिया जाना ही इस समय तुम्हारा कर्तव्य है। जब आपके जीवन में कर्तव्य की पुकार उठे, भावनाओं को एक तरफ रख देना, भावनाएं पीछे करके कर्तव्य को सामने रखकर जब आप आगे बढ़ते हैं, तब आप चाहे हारें चाहे जीतें, आप ईश्वर की दृष्टि में अपराधी नहीं होते। आज आपके व्यक्तिगत जीवन, परिवार और राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां हैं, जो संकट की परिस्थितियां हैं, उन सारी संकटकालीन परिस्थितियों में हिंदू कैसा आचरण कर रहा है? जैसे कि शुतुरमुर्ग का होता है, रेत में सिर छिपाकर आप निश्चिंत हैं, भविष्य की आपदाओं का आप अनुमान नहीं कर पा रहे हैं, और आपकी जो दुर्बलताएं तब थी वो आज तक चली आ रही हैं। छोटी छोटी जातियों के आपस के युद्ध की वजह से, उन स्वार्थों के टकराव की वजह से, कभी भी इस देश का नागरिक चुनाव के वक्त वोट देते हुए इस बात को वोट नहीं देता कि किस पार्टी की पॉलिसी देश के लिए अच्छी होगी। वोट देते हुए इस देश का आदमी यह भी नहीं चुनता कि यह आदमी अच्छा है, ईमानदार है, या ये आदमी अच्छा और ईमानदार है। वो सिर्फ किस बात को देखता है? ये मेरी जाति का है, इसको वोट देना है। इसकी वजह से ही इस देश में भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होने पाता। उस भ्रष्टाचार के बने रहने के पीछे मूल कारण यह है, क्योंकि आप ना तो अच्छे आदमी का चुनाव करते हैं, ना पार्टी का चुनाव करते हैं। आपका चुनाव सिर्फ जाति होती है, और जातियों में बंटे हुए इस देश की बीमारी ये तो कठिन थी ही, इसके बाद आजादी से पहले क्या कावेरी के पानी को लेकर के तमिलनाडु और कर्नाटक के किसान आपस में लड़ते थे? कभी सतलुज के पानी को लेकर के हरियाणा और पंजाब के किसानों में लड़ाई नहीं हुई? आजादी के बाद इस देश के धूर्त नेताओं ने आदमी को आदमी से लड़ाने का काम किया है। हिंदू समाज को टुकड़ों में बांट करके कुछ लोग सत्ता भोग रहे हैं, और ये विराट हिंदू समाज जातीयताओं में उलझा हुआ और प्रांतीयताओं में उलझा हुआ, निर्वीर, निर्बल, कमजोर, नाकारा होते हुए गुलामी की प्रतीक्षा में है। आर्थिक गुलामी तो चली रही, राजनीतिक गुलामी से ही तो मुक्त हुए हो, आर्थिक गुलामी तो अभी भी आपकी उसी प्रकार जारी है, सांस्कृतिक गुलामी तो उसी प्रकार चल रही है, और आप निरंतर धीमी लेकिन निश्चित गति से उधर ही बढ़ रहे हो, फिर उस राजनीतिक स्वतंत्रता का भी अर्थ क्या रह जाता है? इसलिए मित्रों, बड़ी चिंतनीय परिस्थितियां हैं, और इस संकट की घड़ी में अगर आपका कोई मार्ग निर्देश कर सकते हैं तो केवल श्री कृष्ण हैं, श्री राम हैं, ऋषियों की पूरी परंपरा है। जैसे ही आप उनके संदेशों को समझकर जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे, वैसे ही आप फिर से शक्तिशाली होते हुए और उसी परम वैभव को, प्राचीन ऐश्वर्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। श्री कृष्ण उस विज्ञान को समझाते हैं, उस कला को सिखाते हैं कि आपके जीवन में दुख आए तो दुखों का बोझ छोटा रह जाए, सुख आए तो उनका, उन सुख का एहसास जो है वो रस बढ़ जाए। आपको जीवन के वो कर्म करने की शैली सिखाते हैं जिससे कर्म करते हुए रस उपलब्ध हो, और आपके कर्म का परिणाम कई गुना बेनिफिशियल, कई गुना लाभदायक हो जाए। मैं इस पर कल शाम के समय आपसे विस्तार से चर्चा कर चुका हूं। इसलिए श्री कृष्ण की बातें, उनकी गीता का संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं है, हमारे आपके सबके लिए है। जीवन एक कर्म क्षेत्र है, इसमें आप कर्म किस प्रकार से करें, शुरू से लेकर आखिर तक गीता यही एक बात समझा रही है कि आपका कर्म किस तरह से मंगलमय हो सके। ध्यान दीजिए, आपके शरीर में बाहर से दिखने वाले जो अंग हैं, उनमें से सबसे सुंदर, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? जो पशुओं के पास नहीं है, हाथ। ये हाथ। अच्छा, एक बात बताइए, स्त्रियों को अंग्रेजी में ब्यूटीफुल कहा जाता है और पुरुषों को? अच्छा, पुरुषों को ब्यूटीफुल कहो तो क्या परेशानी है? अब पुरुषों के भी ब्यूटी पार्लर बन रहे हैं। पुरुष ब्यूटीफुल क्यों नहीं है? उसको ब्यूटीफुल क्यों नहीं कहते? हैंडसम क्यों कहते हैं? क्योंकि बात श्री कृष्ण की समझ नहीं है।
वो व्यक्ति सुंदर नहीं है, चाहे कितने भी सुंदर वस्त्र पहन ले, कितने भी सुंदर आभूषण पहन ले, और उसका चेहरा मोरा नाक नक्श भले कितने भी खूबसूरत हो, वो सुंदर नहीं है जिसके हाथों से किए जाने वाले काम कहीं उपयोग में नहीं आते। डू यू हैव समथिंग इन योर हैंड्स, तुम्हारे हाथों में कुछ है, कोई कर्म शक्ति है, तब तो तुम हैंडसम हो, नहीं बकवास है, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, बेकार। तो हैंड तो स्त्रियों के पास भी है, पहले उनको घर के अंदर एक सजावट की चीज, एक डेकोरेशन पीस बनाकर रख दिया गया होगा, लेकिन ऋषि दयानंद और आर्य समाज की कृपा से आज अपने बौद्धिक चमत्कार को दिखाने में आप समर्थ हुई हैं। प्रतिवर्ष का रिजल्ट बताता जाता है हाई स्कूल का और 12वीं क्लास का कि स्त्रियां लड़कों से ज्यादा अच्छा रिजल्ट ला रही हैं। पढ़ने का अवसर दिया गया तो उन्होंने उसका लाभ उठाया, कर रही हैं, वो अपनी बुद्धि को प्रमाणित कर रही हैं। ऐसा नहीं है लड़कों के पास बुद्धि नहीं है, लेकिन लड़के क्या करते हैं, गप्पे लगाते रहते हैं, आवारागर्दी करते रहते हैं, दोस्तों के साथ इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको छूट दी जाती है, घर के काम से छोड़ दिया जाता है। लड़की बिचारी घर में मां का हाथ मिटाती है, उसके बाद भी ज्यादा नंबर ले आती है, शर्म आनी चाहिए ना, हैंडसम किस बात के हो। एक दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा हुआ आ रहा था शादी करने के लिए, लड़की वाले के दरवाजे पर पोंखड़े की रस्म होने वाली थी। महिलाओं को क्या दिलचस्पी होती है, लड़की वाली महिलाएं होती है ना, कैसा है दूल्हा देख, इधर खड़े दूर छज्जे पर, ऊपर छत पर खड़ी होगी, इधर उधर सब, और जिनकी रिश्तेदारी नहीं है वो भी दूर से देखना चाहती, पड़ोसी भी, कैसा है दूल्हा, अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो घोड़े पर चढ़ा हुआ आ रहा था, बड़ा खूबसूरत, बड़ा सुंदर उसका रंग, नाक नक्श बड़े अच्छे, सुंदर पगड़ी लगाई हुई, बढ़िया शेरवानी चूड़ीदार पजामा पहना हुआ कीमती। तो वो वरमाला डालने को था, डालने को ही था कि घर के किसी व्यक्ति ने, किसी उसने देख लिया, किसी महिला ने देख लिया कि अरे ये तो 15 दिन पहले बस में चैन खींचते हुए पकड़ा गया था, किसी औरत की चैन खींच रहा था, इसकी भारी पिटाई हुई थी, लीजिए अब क्या होगा, शादी होनी चाहिए नहीं, हाथ अच्छे काम करने वाले नहीं है, हैंडसम नहीं है, भगा दो वापस, नहीं चाहे हुआ करे कितना भी सुंदर शक्तिशाली बलवान, नहीं, करता क्या है। महत्वपूर्ण बात यह होती है किसी भी दूल्हे के बारे में शादी से पहले जानने की, करता क्या है, ठीक है ना। अब ये बात स्त्रियों के संबंध में भी बराबर है, इसलिए आज से हैंडसम कहना शुरू कर दो, खुद को कुछ करिए, हाथों में कुछ लाइए। तो ध्यान दीजिए, मनुष्य जीवन किसको दोबारा नहीं मिलता, मनुष्य जीवन किसको दोबारा नहीं मिलता, जिसने इन दो विशेष अंगों का उपयोग नहीं किया, एक तो हाथ, दूसरे वाणी, और फिर आंतरिक अंग जो है वो भी विशेष दो हैं आपके पास, पशु पक्षियों से ज्यादा स्पेशल, ज्यादा सुंदर खूबसूरत, एक बुद्धि और दूसरे मन। इन चारों को अच्छा कर्म करने योग्य बनाना पड़ता है। बुद्धि को ज्ञान से भरो, मन को अच्छे गुणों से भरो, और हाथों को अच्छे कर्म से भरो, और वाणी से कुछ प्रभावशाली, कुछ दूसरे के दिल में उतर जाने वाली बात कह सको। भाषण देना जरूरी नहीं होता उसके लिए, जब भी आप किसी से बात करें स्मित पूर्वाभिभाषी हो जाएं, राम की तरह इस तरह बोलें, इस तरह मुस्कुराकर मिठास के साथ कि दूसरे के दिल में आपका सीधा प्रवेश हो जाए और वो हमेशा के लिए आपका मित्र बन जाए। तो सबसे बड़ा ऐश्वर्य धन दौलत नहीं होता, स्वास्थ्य होता है, कर्म शक्ति होती है, बुद्धि होती है, और मित्र होते हैं, आपका सहयोग करने वाले, आपके कदम से कदम मिलाकर चलने वाले, हर दुख सुख में साथ निभाने वाले, ये सब ऐश्वर्य हैं जिनके द्वारा आप दुनिया के बाकी ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हो। तो श्री कृष्ण का संदेश, अपने कर्म को संभालें, ठीक दिशा में करें, बुद्धिपूर्वक करें, पुण्यों के साथ जोड़ करके करें। अगर आप ज्ञानवान नहीं बनते और अगर आप कुछ शुभ कर्म करने योग्य नहीं बनते तो ये मनुष्य जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला। आपके पास जो ऐश्वर्य है, आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो भी शक्ति है जो आपने अपनी मेहनत से प्राप्त की है, उसको अपने सुख के लिए भी लगाएं, लेकिन पुण्यों में भी बदलें, तब आप ईश्वर की कृपा के अधिकारी होते हैं, आनंद के अधिकारी होते हैं, मुक्ति के अधिकारी होते हैं। कल शाम को मैं आपसे इस पर विस्तार से चर्चा कर चुका हूं, इसलिए मित्रों
श्री कृष्ण के और श्री राम के संदेशों को समझें। श्री राम ने बोला कुछ नहीं है, श्री राम ने कोई किताब नहीं बोली, कोई किताब नहीं लिखी, कोई उपदेश नहीं दिया, कोई भाषण नहीं दिया, कोई लेक्चर नहीं दिया। श्री कृष्ण और श्री राम में बस एक अंतर है, श्री राम जो कुछ कह रहे हैं अपने जीवन से बोल रहे हैं, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो अपने जीवन से सिखा रहे हैं, करना है जीवन बिताना है तो ऐसी मर्यादाओं के साथ जीना। और श्री कृष्ण जीवन से भी बोल रहे हैं और वाणी से भी बोल रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से। दुर्भाग्य इस देश का, उत्तर प्रदेश का एक पुलिस ऑफिसर डीआईजी रैंक का महामूर्ख गोपियों की तरह कपड़े पहनकर, साड़ी पहन ली, होठों पर लिपस्टिक लगा ली, कानों में कुंडल पहन लिए, बाल बड़े करके ऐसे बना लिए, मैं तो राधा हूं। लानत है इस देश के लोगों पर। अरे बेवकूफ, राधा बनना सूझता है तेरे को, अर्जुन क्यों नहीं बनना चाहता? अर्जुन बनने में मुश्किल आएगी, अर्जुन बनने में युद्ध लड़ना पड़ेगा, अर्जुन बनने के लिए कर्म करना पड़ेगा, राधा बन रहा है साड़ी पहन के। पता नहीं किसी ने उसकी पिटाई करके उसको पुलिस ऑफिसर से बर्खास्त किया कि नहीं किया, या अभी भी बैठा होगा वहां पर। समझ में नहीं आता इस देश के लोगों को, खासतौर से हिंदू समाज को हुआ क्या है। और जब आर्य समाज के लोग कुछ सही बात पर उंगली रखते हैं तो तिलमिलाहट होती है, अजीत साहब खंडन करते हो, अजीत साहब आलोचना करते हो। अरे नहीं करें तो क्या करें? गलत को गलत कहना गुनाह है। इसलिए मित्रों, आर्य समाज के 133 वर्ष की तपस्या का फल तो हिंदू समाज भोग रहा है, भले उसका क्रेडिट आर्य समाज को वो दे न दे। आज कोई भी हिंदू अपने को ये नहीं कह सकता कि मैं आर्य समाजी नहीं हूं। बताओ कोई कहे कि मैं आर्य समाजी नहीं हूं? अगर आप आर्य समाजी, देखो 100% तो आर्य समाजी कोई भी नहीं है, परसेंटेज है, कोई कितना परसेंट है, कोई कितना परसेंट है। तो ध्यान दीजिए, अगर आप आर्य समाजी नहीं हैं, तो आज ही आपको अपनी बेटी की शादी 13 साल की होने से पहले कर देनी चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथ ये बोलते हैं 13 साल की होने तक लड़की की शादी कर दो। अगर 13 साल की उम्र के बाद आपने लड़की को बिना शादी किए अपने घर में बिठाया तो माता पिता और पहले की 7 पीढ़ियां, दादा परदादा, उनके भी परदादा, सब घोर नरक में जाएंगे, रौरव नरक में। लिख लो, करो शादी छोटी उम्र में, करोगे? आपने छोड़ दी वो बात, आर्य समाज की विचारधारा अपना ली कि नहीं अपना ली? आर्य समाजी हो कि नहीं हो? करो, मर जाओ जिंदा चिता में पति के मर जाने पर, तैयार हो? जला दो स्त्रियों को पति मर जाए तो, तैयार हैं आप? ये बात समझाने के लिए हिंदू समाज को एक शताब्दी बीत गई, 100 साल। पति के मर जाने पर स्त्री भी शादी कर सकती है, पुनर्विवाह कर सकती है, जब पति कर सकता है पत्नी के मर जाने पर, यह बात समझाने के लिए 100 साल बीत गए। अगर आप आर्य समाजी नहीं हो तो पढ़ाना बंद कर दो लड़कियों को, चलो यही काम करके बताओ। लेकिन स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार है, ये हिंदुओं के गले में ये बात उतारने के लिए आर्य समाज को 100 साल खर्च करने पड़े हैं। सबसे पहला लड़कियों का स्कूल जालंधर में मुंशी राम एडवोकेट ने खोला था, और उनको पढ़ने के लिए कितनी लड़कियां मिली? पूरे जालंधर शहर से 8 परिवार तैयार हुए अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए, भेजने के लिए। और वो छोटी छोटी लड़कियां पढ़ने जाती थी तो बाकी लोग अपनी अपनी दुकानों पर और घर के चबूतरों पर बैठे हुए उनका मजाक उड़ाते थे। कोई हिंदू समाज में पढ़ी लिखी स्त्री नहीं थी। श्रद्धा मुंशीराम एडवोकेट चाहते थे कि इन लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिकाएं भी स्त्री हों, लेकिन पढ़ी लिखी स्त्रियां ही नहीं थी, कुछ दिन पुरुषों को रखना पड़ा। फिर बंगाल से क्रिश्चियन स्त्रियों को लेकर के आए वो पढ़ाने के लिए, गणित वगैरह अंग्रेजी सिखाएं। और उसके बाद धीरे से जब वो लड़कियां पढ़ करके बड़ी हुई, पहली क्रांति थी इस धरती पर, इस देश की धरती पर, जो कि ऋषि दयानंद के अद्भुत शिष्य मुंशी राम एडवोकेट, जो बाद में स्वामी श्रद्धानंद बने, उन्होंने ये किया। अगर आप लड़कियों को पढ़ा रहे हो, अगर आप सारी इन बेवकूफी भरी कुरीतियों को छोड़ चुके हो, तो आपको आर्य समाजी कहना ही चाहिए, भले आप आर्य समाज को क्रेडिट न दो। इसीलिए डॉक्टर राधाकृष्णन बोलते थे, राधाकृष्णन कहते थे, हिंदू समाज को एक भले सभ्य आदमी के रहने लायक समाज बनाने का काम आर्य समाज ने किया है, कोई माने या ना माने। हमें ये बात खुद अपने मुख से कहनी पड़ती है, क्योंकि लोगों, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको आंख में उंगली डालकर जगाना पड़ता है, इसलिए मजबूरी है कि हमें कहना पड़ रहा है खुद अपनी प्रशंसा के शब्द। मित्रों,
जिस दिन हिंदू समाज आर्य समाज की बात स्वीकार कर लेगा, चाहे वो श्री कृष्ण के संबंध में हो, चाहे वो श्री राम के संबंध में हो, चाहे वो पुराणों के संबंध में हो, चाहे वैदिक ज्ञान की धारा के संबंध में हो, चाहे आपकी धार्मिक परंपराओं के संबंध में हो, जिस दिन आप उन बातों को स्वीकार कर लेंगे, वो बातें किसी आर्य समाजी के अपने मन से निकली हुई नहीं है, वो वेद शास्त्रों की बातें हैं, उनको कभी न कभी तो आपको स्वीकारने के लिए विवश होना पड़ेगा। सामाजिक कुरीतियों को तो आपने समझ करके बड़ी जल्दी छोड़ दिया, लेकिन धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में जो पाखंड अंधविश्वास बेवकूफियां चल रही है और निरंतर मजबूती पा रही है, उनका इलाज तो हिंदू समाज के प्रत्येक विचारशील व्यक्ति को आर्य समाज के साथ जुड़कर खोजना चाहिए। दिल्ली के पास उस एनसीआर क्षेत्र में, राजधानी क्षेत्र में, नोएडा के इलाके में, जहां पर सबसे ज्यादा कीमती जमीनें और मकान हैं इस देश में, सबसे ज्यादा कीमत मकान और जमीनों की कहां है? नोएडा में। नोएडा में तीन बेटों ने मिलकर के अपनी मां को मार डाला। क्यों? इसलिए मार डाला कि उनकी बहन की शादी उन तीन भाइयों की, जिसमें से एक का नाम रोहित है और वो इंजीनियर है, साथ में तांत्रिक भी है, इंजीनियर है और तांत्रिक है, किसी तांत्रिक का चेला है, तो उसने उसकी बेटी की शादी जिस परिवार में हुई थी, तो उसकी सास यानी उनकी रोहित की बहन की सास इसके घर में आई, रोहित के घर में, और हार्ट अटैक हो गया और उसकी डेथ हो गई। अपने समधी के घर में वो आई, जहां से उसकी बहू आई थी, बहू के घर आई और वहां उसकी डेथ हो गई। उसके बाद ये जो इसकी समधिन थी वो ये कहती थी कि मुझे लगातार वो दिखाई देती हैं, मेरी समधिन, मेरी बेटी की सास दिखाई देती हैं, ऐसा रोहित की मां बोलती थी, जब भी देखूं मुझे वो दिखाई देती है। तो इस रोहित ने कहा तेरे ऊपर तेरी समधिन का प्रेत चढ़ गया है, भूत चढ़ गया है, इसको उतारना होगा। तो फिर तांत्रिक को बुलाया और इन तीनों भाइयों ने मिलकर अपनी मां पर, तांत्रिक के कहने से, तांत्रिक के निर्देशन में अपनी मां पर प्रहार किए लोहे की छड़ों से, और जब खून निकल रहा था तो वो ये बोल रहे थे कि अब ये प्रेतात्मा बाहर जा रही है इस खून के रास्ते। आखिर को मां मर गई। उसके चारों तरफ वो मां काली कहते हुए परिक्रमा कर रहे हैं, और इसके बाद जब ये निश्चय हो गया कि अब मां मर ही गई है तो अब उसको जिंदा करना है। जिंदा कैसे किया जाए? जिंदा करने के लिए एक कुंवारी लड़की की बलि देनी पड़ेगी। कुंवारी लड़की मिल गई तत्काल। कौन मिल गई? इनकी बहन जिसकी शादी वहां हुई थी, उसकी बेटी, वो इस घर में आई थी बुलाने के लिए अपनी भाभी को कि चलो बड़ी देर हो गई, वो आ गई, उसको पकड़ लिया इन्होंने कि बस इस कुंवारी लड़की की बलि दे दो। उसको बलि देना चाहते थे, किसी तरह वो छूट गई और उसने शोर मचा दिया, पड़ोसी इकट्ठे हो गए, पुलिस बुला ली गई और इन तीनों को पकड़ लिया गया। जिस समय पुलिस आई, इन्होंने पुलिस पर भी प्रहार किए, संघर्ष किया और कहा कि हट जाओ, तुम हमें हमारी मां को जिंदा नहीं करने दे रहे हो। अरे एक कुंवारी लड़की की बलि देकर फिर उसको जिंदा कैसे करोगे? उसके लिए एक और की बलि दोगे, उसको जिंदा कैसे करोगे? उसकी एक और बलि दोगे? क्या दिमाग खराब है! और ये धर्म के नाम पर अंधविश्वास चल रहे हैं आज के इस साइंस और तकनीक के युग में। इंजीनियर है एक भाई, MBA है एक भाई, व्यापार में लगा हुआ है, और ये उनके दिमाग की हालत है, ये उनकी बुद्धि है, ये उनकी सोच है। ऐसे एक नहीं, हजारों अंधविश्वास चल रहे हैं, और बड़े बड़े पढ़े लिखे हिंदू समाज के लोग उन अंधविश्वासों के जाल में फंसे हुए हैं। धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में जो अंधविश्वास जारी है, ईश्वर की सच्ची उपासना प्रार्थना कैसे की जानी चाहिए, ये जो ऋषियों ने समझाया उसे आप समझना नहीं चाहते और मूर्खताओं में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर इस देश को संगठित करना है, अगर इस देश को जीवित रखना है, अगर इस देश को समृद्धशाली बनाना है, तो आपको ऋषियों की परंपरा को, राम और श्री कृष्ण के संदेशों को समझना ही होगा, और समझ करके जीवन में सामाजिक जीवन का हिस्सा बनाना होगा। उसके बिना आपकी उन्नति का और कोई उपाय नहीं है। कहा गया था कि गीता पर मैं आपसे कुछ बातें कहूं। क्या कहूं? गीता के संबंध में एक एक श्लोक की व्याख्या उसकी करने के लिए तो पूरे 7 दिन आप उसकी कथा करें। दुर्भाग्य की बात यह है, हिंदू समाज में गीता की प्रामाणिक कथा करने वाले,
रोचक दिलचस्प तरीके से गीता के संदेशों को समझाकर बताने वाले हिंदू समाज में, आर्य समाज की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदू समाज में केवल तीन हैं जो गीता की कथा करते हैं। उनमें से एक डॉक्टर जया राव है, टेलीविजन पर भी बोला करती हैं, स्वामी चिन्मयानंद के कुछ शिष्य हैं। लेकिन उस गीता की कथा को सुनने के लिए किसी भी शहर में आयोजित हो 200 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होते। भागवत की कथा करने वाले कितने? लाखों। चढ़ावा कितना लेते हैं? लाखों। सुनने वाले कितने इकट्ठे होते हैं? अद्भुत है यह देश। श्री कृष्ण के संदेशों को समझने में दिलचस्पी नहीं है, वो जो रासलीलाएं हैं उनको समझने में तुम्हारी दिलचस्पी है। फिर भूल जाओ कि तुम्हारे बेटे या तुम्हारे पति चरित्रवान रहेंगे, क्योंकि जब श्री कृष्ण को ही दुष्चरित्र बनाकर पेश किया जाता रहेगा, तब फिर मन में पतिव्रत के, एक पत्नी व्रत के और प्रेम की गहराइयों के संस्कार कहां से आएंगे? ठीक है, फिर तो वही दिशा तुम्हारे लिए है। रखने दो एक एक राधा हर एक को। अगर तुम ठीक अर्थ नहीं समझना चाहते तो पतन ही तुम्हारी नियति है, विनाश ही तुम्हारा भाग्य है। इसलिए आज नहीं तो कल हिंदू समाज के पास दो ही विकल्प होंगे, या तो समझ जाओ, स्वीकार कर लो ऋषियों की बातें, और नहीं तो विनष्ट होने के लिए तैयार रहो। हिंदुत्व तो समाप्त होने की तैयारी है। आर्य समाज अकेला नहीं बच सकेगा, क्योंकि आर्य समाज के लोग सामाजिक तौर पर तो हिंदू ही है ना। इसलिए मैं अपने बौद्ध, जैन, सिख मित्रों को कहता हूं, कहना चाहता हूं, जो ये कहने में संकोच करते हैं, जिनको बड़ी तिलमिलाहट होती है कि हम हिंदू हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी पंजाब में जाकर बोल दिया था कि सिख हिंदू समाज की दाहिनी भुजा है, ऐसे कह दिया था। सिख गुरुओं को बड़ा आक्रोश आया इस पर, नहीं नहीं हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू नहीं है, हम तो अलग हैं, हमारी तो अलग खालसा पंथ है। जैन लोग अपने को अलग कहना चाहते हैं, बौद्ध अलग कहना चाहते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि अगर हिंदू नाम की चीज धरती पर नहीं रही, अगर मान लो हिंदू धार्मिक विचारधारा, सामाजिक विचारधारा नष्ट हो गई, सब हिंदू मुसलमान या ईसाई बनने को मजबूर हुए, तो तुम बौद्ध रह पाओगे? तुम जैन रह पाओगे? तुम्हें कौन सिख रहने देगा? उस विराट हिंदू समाज के साथ जुड़े रहकर उसकी शक्ति बढ़ाते हुए ही आप भी अपनी विचारधारा को जिंदा रख सकते हो। इसलिए हिंदू समाज को मिटने मत दो, इसको शक्तिशाली बनाना जरूरी है। इसके अंदर रहकर इसके पाखंड अंधविश्वासों पर प्रहार कीजिए, इसकी दुर्बलताओं को दूर कीजिए, इसमें जो विघटन है उसको समाप्त कीजिए। संगठित और शक्तिशाली बनाने के प्रयास में हर एक विचारशील व्यक्ति को जुट जाना चाहिए, और वो रास्ता आर्य समाज के प्रांगण से शुरू होता है। आप भले अपने को हिंदू कहते रहें, भले आपको आर्य समाज की गई आलोचना पसंद ना आती हो, लेकिन आर्य समाज की जो सत्य बातें हैं, जो हिंदू समाज को शक्ति देने का काम कर रही हैं, उनको तो स्वीकार कर लीजिए, और आर्य समाज की बात को जितने अंशों में आप स्वीकार करना चाहें उतने अंशों में कर लीजिए। जिस तरह हिंदू समाज ने आर्य समाज की सदस्यता तो ग्रहण नहीं की, लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दिया, विधवा विवाह शुरू कर दिए और सती प्रथा समाप्त कर दी, इस तरह से बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां समाप्त हुई हैं। एक चीज अगर आर्य समाज की मान ली होती हिंदू समाज ने, आज पाकिस्तान नहीं बना होता, आज इस देश की धरती पर आतंकवाद नहीं हो सकता था। कौन सी बात? कौन सी बात? पहले वो सुन लीजिए तब ताली बजाना। तब जब देश गुलाम था, जब अंग्रेज इस देश में राज करते थे, तब स्वामी श्रद्धानंद और लेखराम जो आर्य समाज के दिग्गज लोग थे, उन्होंने पूरे पंजाब में आंदोलन शुरू किया था, शुद्धि आंदोलन। तुम हमारे भाई हो, मुस्लिम गांवों के बीच ज्यादा करो बताते थे, तुम्हारे दादा हमारे दादा एक ही थे। पूजा पद्धति तो अगर बहस करने की बात है तो बहस करवा दो अपने मौलवियों से, हम सिद्ध करेंगे कि कुरान में ये बातें गलत हैं, हम सिद्ध करेंगे कि गीता रामायण की ये बातें अच्छी हैं, और तब प्रमाणित कर लो। उनके आंदोलन का, वैचारिक आंदोलन का परिणाम यह हुआ, मौलवियों से बहसें होती थीं और गांव के गांव शुद्ध होते जा रहे थे। श्रद्धानंद का भी मर्डर करवा दिया गया, लेखराम की भी छुरा घोंप कर हत्या कर दी गई इस्लामिक लॉबी की ओर से, और हिंदू समाज ने आर्य समाज का साथ नहीं दिया। आज तुम उस पाप का परिणाम भोग रहे हो,
उस समय तुम तैयार नहीं थे अपने बीच मिलाने के लिए उन लोगों को। जाति के कारण एक जाट मुसलमान जाट हिंदुओं के बीच कैसे मिले? एक मुसलमान अब जिसकी जाति का पता नहीं, ब्राह्मण उसके उनको उसको अपने बीच में नहीं मिलाता, बनिया उसे अपने बीच में नहीं मिलाता, कायस्थ अपने बीच में नहीं मिलाता, पटेल अपने बीच में नहीं मिलाता, तब मुझे बताइए कोई मुसलमान अगर हिंदू होना चाहे तो कैसे होगा? अभी तक ये दरवाजे आपने नहीं खोले। आर्य समाज की वो बात उस समय स्वीकार नहीं की पाकिस्तान बना, इस समय स्वीकार नहीं करोगे पूरा हिंदुस्तान एक दिन पाकिस्तान में विलीन होगा। लिख कर रख दो ये बात, तुम्हारी आपदाओं के बादल तुम्हारे सिर पर मंडरा रहे हैं और तुम्हें होश नहीं है। जो होश दिलाने की कोशिश में उसको आप सोचते हो हमारी नींद खराब करता है। ठीक है, सोते रहो, फिर हम भी क्या करेंगे? हम भी आपका ही हिस्सा है, हिंदू समाज का ही अंगार समाज भी है, वो भी नष्ट होगा, लेकिन ये पूरी मानवता की क्षति होगी। अगर आप उस वैदिक विचारधारा को, ऋषियों की बात को, गीता को नष्ट हो जाने देते हो, ये केवल हिंदू समाज का नुकसान नहीं है, पूरी मानवता का नुकसान है। इसलिए इस क्षति को बचाने में सबसे बड़ी भूमिका आज हिंदू समाज को निभानी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। कहते कहते मैंने बहुत सारे बिंदुओं के बीच आपसे न जाने क्या क्या चर्चाएं कर दी, जितना आप याद रख पाए उतना रखना, और हो सके तो अपनी इस जुबान से अपने 10 मित्रों के बीच इसकी चर्चा करना, वाणी सार्थक हो जाएगी। कर्म कीजिए, हाथों को सफल कीजिए, कुछ अपने लिए तो कर्म करते ही हैं आप, कमाते हैं, घर के काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कुछ सामाजिक कार्यों में भी हाथ बटाएं, कुछ राष्ट्रीय कार्यों में भी हाथ बटाएं, तो ये हाथ सफल हो जाएंगे। कुछ राष्ट्रीय सामाजिक चर्चाओं के बीच भी आप जब आपस में मिलती जुलती हैं, साड़ियों गहनों बेटे बेटी की पढ़ाई लिखाई वगैरह रिश्तेदारों की चर्चा करने के अलावा कुछ देश और समाज की चर्चा भी किया कीजिए, तब जीवन में कुछ गहराई उतरेगी और आप श्री कृष्ण और श्री राम के संदेशों को, ऋषियों की परंपरा को, वैदिक ज्ञान की धारा को कुछ अंशों में आगे तक बढ़ाने में आपकी जो छोटी सी भूमिका है वो भी एक बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ, आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बड़ी देर तक गर्मी में, धूप में, इस छोटे से छिछले शामियाने के नीच बैठे हुए आपने बड़ी देर तक मेरी बातों को सुना, मैं इसके लिए आपका निजी तौर पर आभारी हूँ।